हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम बी फ्रैंक, सवाल खुद से। तो आज का कौन सा सवाल है जो इंसान खुद से बहुत करता है, बहुत सोचता है, वो ये है कि क्या हमें अपने अच्छे काम को दिखाना चाहिए या फिर नहीं दिखाना चाहिए। ये सवाल मन में इसलिए आता है क्योंकि हमने अक्सर यही सुना होता है कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं और उस हेल्प जो की है आपने उसको सबको बता देते हैं तो आपको जो पुण्य होता है वो बहुत ही कम मिलता है। और इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई तुम तो दिखावा कर रहे हो, तुम तो दिखा रहे हो कि तुम कितने अच्छे हो। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम जो भी अच्छा काम करते हैं उसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हम उस काम को लोगों को दिखाएं, शेयर करें या फिर हम अपने तक ही इसको सीमित रखें। ओके, तो यार बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम अच्छी चीज़ें देखते हैं, अच्छी चीज़ें सुनते हैं, तभी हम अच्छी चीज़ें बोल भी पाते हैं। सेम उसी तरह अगर हम अपने किसी अच्छे काम को फैलाते हैं, दिखाते हैं, तभी शायद दूसरा इंस्पायर होके उस साथ अच्छे काम को कर भी सके। अदरवाइज़ इस दुनिया में जो भी बैड न्यूज़ होती हैं या फिर कुछ ऐसी खबरें जो हमारे लिए नेगेटिव होती हैं तो वो तो हम बहुत तरीके से, बहुत ज़रिए से हम तक पहुँची जाती हैं, चाहे वो न्यूज़ से, चाहे किसी भी ज़रिए से, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। लेकिन क्या अच्छी खबरें पहुँचती हैं? बहुत कम, बहुत सीमित होती हैं ये खबरें। लाइक किसी ने प्लांट लगाया, किसी ने किसी की हेल्प की, तो ये सब जो खबरें होती हैं, ये सब जो न्यूज़ होती है, वो हमें बहुत ही कम मिलती हैं और इसकी वजह से हमारे माइंड में वो सब चीज़ें आती नहीं हैं। हम हमेशा कंप्लेन करते हैं, हम कहते हैं कि जो सेलिब्रिटी इतने बड़े लोग कमा रहे हैं वो डोनेशन नहीं देते हैं, वो इन्होंने इनकी हेल्प नहीं की, हम हमेशा उनको कहते रहते हैं। लेकिन हम खुद में कितनी हेल्प करते हैं क्या हमने कभी सोचा है? हम हमेशा बिजी रहते हैं, कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि हम कुछ हेल्प कर सकें। अगर आप दिखाने के लिए ही सही लेकिन हेल्प कर रहे हो तो किसी ना किसी का उससे फ़ायदा हो रहा है। और सेकंड ऑफ थिंग, अगर आप किसी की मान लो मदद कर रहे हो या किसी को कुछ खिला दे रहे हो, किसी को खाना दे रहे हो, तो अगर आप जो सेल्फी ले भी रहे हो उसमें उस इंसान को ब्लर कर सकते हो या फिर आप यही चीज़ टेक्स्ट में बता सकते हो कि आज मैंने ये काम किया, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए आप जो भी शेयर करते हो उसके जरिए। तो इससे क्या होगा, आपकी इमेज तो अच्छी बनेगी बनेगी, इसके साथ साथ एक अच्छी खबर, एक अच्छी न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचाएंगे। जैसे कि अगर कोई ये काम नहीं भी कर रहा है तो उसको देख के मन करेगा, ठीक है आज हम भी किसी को कुछ खिला देंगे, ऐसा काम करेंगे जिससे कि दूसरों को खुशी हो। समझ रहे इस बात को? यकीनन आप जब करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही खुशी होगी। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप एक गुड न्यूज़, एक पॉजिटिव न्यूज़ लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है। हमेशा नेगेटिव खबरों को, बैड खबरों को पढ़ते हैं, इसके वजह से हमारे दिमाग में वही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लास्ट में इसका सलूशन अगर एक सेंटेंस में बोला जाए तो वो ये होगा कि जी हाँ, आपको अपने अच्छे काम को ज़रूर दिखाना चाहिए, ज़रूर शेयर करना चाहिए। इससे आपको तो खुशी मिलेगी मिलेगी, जो सामने वाला देखेगा वो भी इंस्पायर होगा उस काम को करने के लिए और वो भी उस खुशी को पा सकेगा। अगर आपने भी कुछ ऐसा काम किया है जिससे कि दूसरे के चेहरे पर आपकी वजह से खुशी आई हो तो आप उसको कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और सोचते रहिए, सोचेंगे तो सोल्यूशन ज़रूर निकल जाएगा। टेक केयर, बाय।